ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज सुबह ही मेरे पास एक कॉल आता है और उसमें मुझे ये यंत्र दिया जाता है। तो जिस बंधु ने ये यंत्र मुझे दिया उसने बताया कि पिछले 21 सालों से ये जो यंत्र है ये उसके लिए सटीक काम कर रहा है। किसी वजह से मनमुटाव हो गया था दो साथियों के बीच, तो जो भी साधक था उसने इस यंत्र का प्रयोग किया और जब जब उसने इस यंत्र का प्रयोग किया तब तब इसने सटीक काम किया है। तो आज मैं आपको ये यंत्र दे रहा हूँ। इसको किसी को भी मोहित करने के लिए, किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आप प्रयोग में ला सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि शुक्रवार के दिन अनार की कलम से पूर्वमुखी होकर ये यंत्र आपको बनाना है और इसके पीछे अपने साथी का और अपना नाम लिख देना है। ऐसा करते हुए आपको ऐसे 5 यंत्र नदी में बहाने हैं। अगर नदी में ना बहा पाए तो आप इसको ज़मीन में गाड़ सकते हैं या फिर किसी सुनसान स्थान में छोड़कर आ सकते हैं। ये प्रयोग बहुत ही लाभकारी है क्योंकि जब मैं उस व्यक्ति से बात कर रहा था तो उसने बताया कि उसने असंख्य लोगों का इससे उपचार किया है। अगर आपके जीवन में भी कोई मनमुटाव हो, किसी भी तरह का द्वेष उत्पन्न हो गया हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और मुझे बताइएगा कि आपके लिए ये कितना सटीक काम किया और कितना प्रभावी रहा है और कितने दिन में इसने काम अपना पूरा किया। तो बहुत सारे यंत्र मंत्र मेरे पास ऐसे आते रहते हैं और उनका जो प्रमाण है कि ये सिद्ध है या नहीं है या काम करता है या नहीं, ये आप ही मुझे बताते हैं। तो जैसे जैसे मुझे इसके रिजल्ट्स मिलते हैं वैसे वैसे मैं उनको एक संग्रह में रखता रहता हूँ और उसके बाद अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की परेशानी हो तो मैं उनके लिए ये अस्त्र शस्त्र निकाल कर देता हूँ। तो अगर आपकी भी ऐसी कोई परेशानी हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और मैंने बहुत पहले एक यंत्र बनाया था जो मोहिनी यंत्र था, वो आपने बहुत सराहा और उसको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो यंत्र है ये भी उतना ही काम करेगा। पिछले जो वीडियोस थे उनमें जिस जिस को मैंने जो जो यंत्र दिया उसने उसके लिए सटीक काम किया और मैं देखकर हैरान हूँ कि 2021 में भी ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे कि आदिकाल में करते थे। क्योंकि मानव शरीर में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, जो चीज़ जहाँ थी वहाँ जो की त्यों बनी हुई है। बस फर्क इतना है कि जो ज्ञान उस समय हमारे पास था वो ज्ञान अब नहीं है। उस समय में हम बिना फ़ोन के ही बातें कर लेते थे और अब हमें फ़ोन यूज़ करना पड़ता, मतलब कि हम बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गए हैं। हमें किसी साधन की आवश्यकता पड़ती है किसी से बात करने के लिए और पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, ना फ़ोन रिचार्ज करना ना कुछ। अपनी मस्तिष्क की तरंगों को हम इतना प्रभावी कर देते थे कि सामने वाला हमारे मन के भाव जान सके। और आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें अपने फ़ोन रोज़ रिचार्ज करने पड़ते हैं, रोज़ उनकी बैटरी डाउन हो जाती है। तो आजकल की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही पिछड़ी हुई है, मैं कहूँगा पिछड़ी हुई कहना सही रहेगा। क्योंकि आप एक वो समय सोचिए जब ना किसी नंबर की ज़रूरत थी, ना कोई फ़ोन रिचार्ज करना है, ना कोई डिवाइस चाहिए, बस आपको ध्यान लगाना है किसी भी अपने साथी पर और उससे बातें करनी शुरू हो जानी है, चाहे वो कितनी ही दूर क्यों ना रहता हो। और एक आज का युग है जिसमें कि हमें 10 तरह के तो चार्जर चाहिए होते हैं जो फ़ोन को चार्ज करेंगे, फिर उसमें नेटवर्क चाहिए, उसके बाद सिम में पैसे डालो, तो इतना सारा झंझट करना पड़ता है और
जो ये हमारी पुरातन जो टेक्नोलॉजी थी उसमें सिर्फ आपको एक यंत्र बनाना है और अपने भाव उसमें डाल देने हैं। इसके बाद कि प्रकृति अपने आप अपना काम करेगी, आपके अनुकूल वो सारी चीज़ें लेकर आएगी जो आप चाहते हैं। तो जब भी यंत्र बनाएं तो एकाग्रचित्त होकर बनाएं, ऐसा ना हो कि यंत्र बना रहे हैं और दिमाग कहीं और ही घूम रहा हो। तो जहाँ रिजल्ट मिलते हैं वहाँ पर मैंने ये पाया है कि वो जब यंत्र बनाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। जिसका भी यंत्र बनता है, जो कारगर होता है, वो एकाग्रचित्त होकर यंत्र को बनाता है। सब कुछ भूल जाए आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, जब यंत्र निर्माण करें तो सिर्फ यंत्र ही दिमाग में है और वो साध्य व्यक्ति जिसके लिए आप काम कर रहे हैं या फिर जिस किसी को भी आकर्षित करना चाहते हैं। उसके बाद आता है शुद्धिकरण। शुद्धिकरण आपको करना बहुत ज़रूरी है। अपने भीतर की और बाहर की शुद्धिकरण मंत्र मैं आपको दे चुका हूँ। सबसे पहले अपना शुद्धिकरण करें, उसके बाद इसका प्रयोग करें। इसके बाद जब यंत्र बन जाए और जब आप प्रतीक्षा कर रहे हो अपने उस रिजल्ट की जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हो, और उस बीच में अगर आप ऐसा सोच लें कि रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, इतने दिन हो गए अब क्या करें क्या ना करें, तो ऐसे भाव नहीं आने चाहिए मन में। आपको एक सकारात्मक सोच रखनी है, तभी यंत्र काम करेंगे। जिस तरह की एक घटना है, एक कोई महापुरुष हुए हैं जो कि जब चाहे वहां बारिश करा देते थे, तो ऐसे साधु ऐसे सन्यासी बहुत कम है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी इच्छा शक्ति से बारिश करा सकते हैं जहां पर भी चाहे। तो एक बार उनसे पूछा गया कि आप ऐसा कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने बताया कि जो मेरी इच्छा शक्ति है वो इतनी प्रबल है कि मैं उससे बारिश करा सकता हूँ। मतलब कि एक बार उन्होंने सोच लिया कि बारिश आज होगी तो फिर वो और कुछ नहीं सोचते, वो पूरी तैयारियों में लग जाते हैं कि बारिश होगी और किस तरह से वो अपने कपड़ों को सुखाएं, क्या कुछ करें क्या ना करें, तो सारा कुछ बिल्कुल वो सोचते नहीं हैं कि बारिश होगी। वो बस ऐसा अस्तित्व में ले आते हैं कि हाँ बारिश होने ही वाली है। ये वो ये नहीं सोचते कि ओ बारिश होगी या नहीं होगी ऐसा कुछ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको पूरा अपने भीतर ऐसा महसूस करना है कि ये चीज़ काम करेगी। कोई भी जगह या फिर कोई भी कोना ऐसा ना पड़ा हो जिसमें कि एक नकारात्मक बिंदु भी हो, आपको सकारात्मक होकर ये करना है। और फिर देखिए जैसा आप चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन सिर्फ रिजल्ट के लिए आप ये करोगे तो नहीं, ये कुछ भी काम नहीं करेगा। बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ, तो उनके पीछे यही रीज़न होता है कि उनका जो भाव है वो पूर्ण नहीं होता। आपके भाव इसमें बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं वो करते हुए। तो सात्विक होकर और अपना शुद्धिकरण करके फिर इस यंत्र को बनाएं और मुझे बताएं कितना जल्दी इसने काम किया। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं 999-284-1625 पर। धन्यवाद।